तो आज हम इस अपनी ऑनलाइन क्लासेस में एक नई कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है एडवांस एक्सेल वीबीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। ओके, तो हम यहाँ इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है और हमारे साथ मिस्टर हरीश जो है हैं। तो हरीश जी, चलिए हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं वीबीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। ओके, तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि आखिर VBA होता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो इसे थ्योरिकल पार्ट को समझ लेते हैं। थ्योरिकल पार्ट समझ लीजिएगा तो आपको आगे की चीज में आसानी होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं VBA माइक्रो क्या होता है। VBA का स्टैंड होता है, फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये याद रखिएगा, ये VBA नहीं है, विजुअल स्टूडियो जो होता है ना सर, विजुअल बेसिक स्टूडियो है, वो अलग है। जैसे VBA 6 भी थे, वो नहीं है सर, क्योंकि VBA 6 या VBA स्टूडियो के जरिए, विजुअल बेसिक स्टूडियो के जरिए आप जो है एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे exe टाइप का, इसको रन करके इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन VBA के जरिए हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई exe फाइल नहीं बनाते हैं, इसके जरिए हम बनाते हैं मैक्रोज। मतलब कि हम एक्सेल के अंदर एमएस ऑफिस, जी हाँ, VBA एमएस ऑफिस पे चलता है, एक्सेस पे भी चलता है। जैसे रात को आपने देखा था एक्सेस भी यूज कर रहे थे हम, तो एक्सेस पे भी चलता है, एक्सेल भी चलता है, आउटपुट मतलब पूरी एमएस ऑफिस पे चलता है। तो एमएस ऑफिस के अंदर कोई नए फीचर्स ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं VBA का। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे आप देख लीजिए कि VBA के जरिए हम बनाएंगे क्या क्या। अगर मान लीजिए VBA एक फैक्ट्री है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या क्या हो। तो पहला होगा आपका मैक्रोज। ठीक है, मैक्रो। अब कुछ लोग समझते हैं कि सर मैक्रो मतलब रिकॉर्ड मैक्रो को मैक्रो करते हैं, कोडिंग को VBA मैक्रो करते हैं। ऐसे कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों की होती है, फोन पे बोलते हैं, पूछते हैं, शायद आपको एक कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको बता देता हूं कि आप रिकॉर्ड करके भी वही मैक्रो बनाते हैं जो VBA के जरिए कोडिंग करके बनाते हैं। रिकॉर्डिंग मैक्रो एक फैसिलिटी है जो आपके माउस और कीबोर्ड इवेंट को कोड में कन्वर्ट करता है। मतलब मान लीजिए कि मुझे E1 पे नेम लिखना है, तो मैं रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करूंगा और यहां पे नेम लिखूंगा। ठीक है, तो आप इसकी एडिट करके इसकी क्यूरी में जाओगे, तो यहां पे जिसने जो कोडिंग किया है इसी को VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर मुझे मैनुअल लिखना पड़ेगा तो भी मैं यहां पे लिखूंगा कि रेंज E1.select, तो मैं भी वही कोड प्रोग्रामिंग कर रहा हूं। बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो जाता है, जैसे कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको ऑफिस में बॉस को छुट्टी मांगना है, तो आप मॉक तो ब्रो बॉस कल छुट्टी चाहिए, कुछ काम है, लेकिन इसी चीज को अगर आप लेटर में लिख के एप्लीकेशन के तौर पे देना है, तो एप्लीकेशन में थोड़ी लिख दीजिएगा कि बॉस कल छुट्टी लेना है, कुछ काम है। वो तो पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे ना, टू द मैनेजर्स, कंपनी नेम, डियर सर वगैरह पूरा। तो जो रिकॉर्ड होता है वो अपनी पूरी ऑफिशियल VBA लैंग्वेज को फॉलो करता है, और कोडिंग करते समय हम अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हैं, लेकिन दोनों होता है VBA है, समझ गए। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो एक टूल्स है जो आपके बिहाफ पे कोडिंग लिख देता है। ओके, तो हम पहला बनाते हैं मैक्रो। हम बात करते हैं कि मैक्रो का बेनिफिट क्या है। तो मैक्रो का काम हम करते हैं, देखिए मैक्रो का यूज हम होते हैं रिपीटेड जॉब को आसान करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक काम है, उसके मान लीजिए
एक प्रॉब्लम है उसको करने में 2 घंटा लगता है, तो आप माइक्रो बना देंगे तो वो काम 10 मिनट में कर दे, मतलब कि ये ट्रिगर की तरह काम करता है, या ऑटो पायलट कर दीजिए, जैसे प्लेन में होता है सर, कर दिया तो ऑटो पायलट में कंप्यूटर प्लान को फ्लाई करता है, कंप्यूटर के अंदर फ्लाई के सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके बिहाफ पे वो फ्लाई करता है। तो सेम उसी तरह से आपका मैक्रो होता है कि आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसके लिए आप जो है मैक्रो तैयार कर दीजिए, कल के डेट में बस आपको उस मैक्रो को ट्रिगर करना है, रिपोर्ट अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो मैक्रो होता है। दूसरा आता है फंक्शन। फंक्शन मतलब कि फॉर्मूला, जैसे कि वी लुकअप एच लुकअप होता है ना, ऐसे खुद का फॉर्मूले बना, मतलब कि एक्सेल में ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आप कंडीशन है कि फॉर्मूले को फिट नहीं हो रही है, कोई फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए वी लुकअप ही ले लीजिए, तो आपको रिपीटेड वैल्यू को लुकअप करना है, तो वी लुकअप तो एक ही लुकअप करके देगा, सारा वैल्यू लुकअप करके तो देगा नहीं। उस केस में हम यहाँ पे वी लुकअप इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे VBA फंक्शन के जरिए एक नया वी लुकअप बना देंगे जो कि रिपीटेड वैल्यू को ही लुकअप करेगा, कॉमा। ठीक है, वो हमारा काम को करता है, वो फंक्शन करता है। उसके बाद तीसरा आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म क्या होता है? इंटरफेस। जैसे आप अभी मान लीजिए कि मुझे अगर कुछ अप्लाई करना है, मैं पिवट ही अप्लाई करना है, तो पिवट टेबल पर क्लिक करते ही हमारे पास पॉपअप आ जाता है। इमेजिन कीजिए कि इसी तरह जो पिवट टेबल जो काम करता है, इसी काम को आपको VBA माइक्रो के जरिए करना है, इसी काम को VBA माइक्रो के जरिए करना है, तो इसके लिए आपको कितना बनाना पड़ेगा? पहला मैक्रो बनेगा जो कि टेबल माने रेंज को एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे पिवट बनाएगा, दूसरा मैक्रो बनाएगा कि रेंज को न्यू वर्कशीट पे पिवट बनाएगा, फिर तीसरा मैक्रो बनेगा जो कि एक्सटर्नल डेटा सोर्स को एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे या न्यू वर्कशीट पे करेगा, तो 4-5 मैक्रो बन जाएगा ना सर। लेकिन इंटरफेस हो गया, बस हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, और ओके पे एक सारा कमांड होता है कि जो सिलेक्टेड हो उसके अकॉर्डिंग पिवट लगा, एक इंटरफेस हो गया ना सर। तरह से अगर आप जाते हैं फॉर्मेट सेल में, तो जो पॉपअप तरह का आता है अपने हिसाब से हम क्लिक करते हैं और सिलेक्ट करते हैं, तो इसी तरह का पॉपअप बनाने के लिए हम यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम इंटरफेस कह सकते हैं कि जब हम रन करेंगे तो इसके हिसाब से हमारा काम होगा, इसके ऊपर जो हम बटन्स, जो हम चेकबॉक्स बटन जो इस्तेमाल करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग हमारा परफॉर्मेंस देगा। ठीक ठीक है, तो 3 फीचर्स है, पहला आपका मैक्रोज है, दूसरा आपका फंक्शंस है, और तीसरा आपका यूजर फॉर्म है। यूजर फॉर्म, तो समझ में आ गई क्या करना है? VBA से क्या क्या सीखोगे? मैक्रो बनाना सीखोगे, मैक्रो बनाना सीखोगे, फंक्शन और यूजर फॉर्म सीखोगे। यूजर फॉर्म 3 पार्ट होते हैं इसके। अब बात आती है कि आखिर हम VBA प्रोग्रामिंग या VBA मैक्रो या VBA फंक्शन या VBA यूजर फॉर्म का इस्तेमाल कब करेंगे? तो देखिए सिचुएशन पे चलते हैं। सिचुएशन में दो कैटेगरी में इसको बांटा हुआ है। पहला, आपके पास टाइप ऑफ जॉब, अगर आपके पास कोई रिपीटेड जॉब है तो VBA इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं एग्जांपल। ओके, तो मेरे पास क्या है कि कई सारे शीट्स हैं, डेटा है। अब इन सारे डेटा को मुझे डेटा शीट पे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे नीचे कॉपी पेस्ट करना है, और मुझे हर दिन करना होता है। ठीक है,
इसके लिए हम प्रोग्रामिंग बना कर रख देंगे, जब मुझे जरूरत होगा हम बस क्या करेंगे अपने माइक्रो को रन कर देंगे। कर दिया? तो हमारा काम काफी आसान हो गया क्या सर? बिल्कुल। तो रिपीटेड जॉब मतलब कि ऐसा काम, जैसे मान लीजिए आपको 500 लोगों को मेल करना है और आपको हर दिन 500 लोगों को मेल करना होता है इंडिविजुअली, तो वहां हम इस चीज का, ठीक है, हेलो हेलो, समझ में आया सर आपको? हाँ जी। चलिए दूसरा होता है लेंदी जॉब, मतलब कि कोई ऐसा काम जो कि आपको एक ही बार करना है बट इतना लेंदी है कि करने में आपको काफी टाइम लगेगा। जैसे कि एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें बताता हूँ आपको। हम मान लीजिए कि इसको कॉपी करते हैं, मुझे इसके वेबसाइट का लिस्ट है तो मुझे इसको कहीं किसी पे लगाना है, तो इसमें देखिए ये पूरा वेबसाइट नहीं है, जैसे कि इंडिया लिस्ट लोकांटो, अब इंडिया लिस्ट डॉट कॉम डॉट को डॉट इन क्या है, लोकांटो क्या है, तो इसमें इसकी जो कंप्लीट आईडी इसकी इस पे हाइपरलिंक पे लगा है, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, यहां पे एडिट हाइपरलिंक पे जाऊंगा और फिर इस लिंक यहां से कॉपी करके पेस्ट करूंगा। क्या अब अभी तो चलिए मान लीजिए 50-60 है, लेकिन मान लीजिए ये लाखों में तो, लेकिन काम में एक ही बार आया हुआ, एक बार करने के बाद मुझे दोबारा नहीं चाहिए, लाखों में है, हजारों है, मान लीजिए 10,000 ही है, फिर भी 10,000 को करने में आपको तकरीबन दिन भर तो लग ही जाएगा। क्या सर? बिल्कुल। तो उस केस में क्या करेंगे? तो यहां पे हम VBA यूज करेंगे, तो मान लीजिए चलिए हम इस पर VBA फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने एक फॉर्म फंक्शन बनाया, आपकी फंक्शन का नाम दे दिया URL, इनपुट दे दिया कि इसमें रेंज इनपुट होगा, और फिर हमने बोला कि रिजल्ट URL मतलब कि इक्वल टू रेंज में आ रहा था n डॉट हाइपरलिंक डॉट एड्रेस, यहां पे इक्वल URL, ठीक है। तो घंटों का काम, दिन पूरे दिन का काम हम एक सेकंड में कर लिए। तो हम इस तरह की यूज करते हैं, तो हम माइक्रो को यूज करेंगे रिपीटेड जॉब या लेंदी जॉब, समझ गए? कोई ऐसा काम जो बार बार रिपीट हो और कोई ऐसा काम जो एक बार है लेकिन काफी लेंदी है, उसमें काफी टाइम हमें लगेगा, ठीक है सर? ठीक।
तो उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे अपना वीवीए माइक्रो, चाहे आप माइक्रो यूज करें या फैमिली यूज करें या यूजर फॉर्म यूज करें। अब बात आती है कैटेगरी कि किसके लिए बनाएंगे। देखिए एक प्रॉब्लम होती है वीवीए में कि अगर वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करके किसी को फाइल आप भेजते हैं तो डिफॉल्ट माइक्रो जो होता है वो डिसेबल विथ नोटिफिकेशन होता है, तो खोलते ही उसको माइक्रो सिक्योरिटी अलर्ट आएगा और उसको अनेबल करने के लिए बोलेगा। अब जो माइक्रो प्रोग्रामिंग से फैमिलियर है वो तो कर लेंगे, लेकिन ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इनको वीवीए प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती होगी। क्या वीवीए प्रोग्रामिंग नहीं आने वाला, ऐसे भी तो लोग होंगे। तो हमें फाइल भेजेंगे तो फाइल को जैसे ओपन करेंगे तो सिक्योरिटी अलर्ट दिखाएगा और वो क्या करेगा, डिसेबल कर देगा माइक्रो। क्या तो अब आपको फोन करके सब, मान लीजिए कि आपने एक फाइल बनाया और 200 लोगों को भेज दिया, 200 लोगों में से मान लीजिए कि 60 लोगों को एक्सेल से वीवीए माइक्रो प्रोसेसर से फैमिलियर नहीं है, नहीं जानते हैं, 10 कर रहे हो। अब 60 लोग आपको फोन करेंगे यार तुम्हारा फाइल नहीं चल रहा है, बताओगे कि माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल करो, ये तो सर से जल्दी हो जाएगी ना। तो इसलिए हम सबको बोलते हैं कि आप वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग को अवॉइड करें ऐसे फाइल पे यूज करना जो पब्लिकली शेयर हो रहे हैं। जो पब्लिकली शेयर हो रहे हैं ऐसे फाइल को यूज ना करें, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? लेकिन अगर ऐसा काम जो आप अपने लिए कर रहे हो या आप जिसको भेज रहे हो, मान के दो चार लोगों को भेजते हो, उनको वीवीए पता है, कोई वीवीए में एक्सपर्ट है, वीवीए यूज करते हैं या वीवीए से फैमिलियर है, तो आप जनरल से वीवीए प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हो। तो दो चीजें, हम वीवीए माइक्रो वहां यूज करेंगे जहां हमारा रिपीटेड जॉब होगा या लंबी जॉब होगा, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है, ठीक है? दूसरा, हम उनके लिए फाइल पे काम करेंगे, खाए तो खुद के लिए करेंगे या फिर ऐसे लोगों के पास फाइल जो वीवीए से फैमिलियर है, हम अवॉइड करेंगे उस फाइलों पे काम करना। 100-200 लोगों को मेल जाती है, ऐसे फाइल पे वीवीए यूज करना हम अवॉइड करेंगे, ठीक है सर? क्लियर है? क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग का यूज करने का पर्पस होता है 100% एक्यूरेसी और टाइम सेविंग। ये समझ में आ गया आपको सर? हाँ जी। ओके, अब बात करते हैं कि माइक्रो यूज करने से पहले क्या प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले कि आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। अगर डेवलपर टैब नहीं है, अच्छा किसी कोई और ज्वाइन किया है साथ में? गुड मॉर्निंग सर। अच्छा निकिता जी आप हैं? हाँ यस सर। सर मेरे को ये था कि इस बैच में अब कंटिन्यू करना है कि नहीं। अच्छा मैं आपको फोन करता हूँ थोड़ा देर में। हाँ तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ओके? कि यहाँ पे आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जाएंगे इस पे ऑप्शन में, ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन, और यहां से क्लिक करके ओपन कर देंगे। उसके बाद
आपका एक और काम करना है कि माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना है, बाय डिफॉल्ट विथ डिसेबल विथ नोटिफिकेशन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि जब माइक्रो इतना इम्पोर्टेंट है तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल क्यों होता है? तो डिसेबल होने का रीजन ये होता है क्योंकि माइक्रो के जरिए कोई पर्सन आपको वायरस भी दे सकता है, इसलिए तौर पे इसको डिसेबल कर दिया जाता है। तो माइक्रो को अनेबल करना है। और आपकी जो फाइल है, याद रखिएगा कभी भी आपने बीवी वाली फाइल को माइक्रो अनेबल वर्कबुक में ही सेव करेंगे। गलती से भी आप एक्सेल वर्कबुक में सेव मत कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो आपकी सारी माइक्रो डिसेबल हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। तो आप कभी कभी भूल जाते हैं, तो उस केस में आप ऑप्शन पे जाएं और जाएं यहां पे सेव पे, और यहां पे डिफॉल्ट दे दें माइक्रो अनेबल वर्कबुक। तो डिफॉल्ट आपका हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव होगा, चाहे आप सिलेक्ट करें ना करें। ठीक है सर, अब आप ये प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग देखिए, वीवीए का आप कोर्स स्टार्ट करना है तो आपको दो चीज पता होना चाहिए। पहले आपके पता होना चाहिए बेसिक एक्सेल, और उससे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिस का टाइम। अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए एक दो घंटे नहीं है तो फिर सीखने का कोई फायदा नहीं। हम तो बोलेंगे कब आप टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहे हैं सीख के, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्रैक्टिस का, क्योंकि वीवीए जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स। तो आप के पास प्रैक्टिस टाइम है तो आप वेलकम है, आप सीख सकते हैं। प्रैक्टिस का टाइम नहीं है okay. बताया मैंने आपको कि वेस्ट ऑफ टाइम है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, दूसरा आना चाहिए, मैंने बताया आपको कि एक्सेल की नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए। अब एक्सेल की नॉलेज आपके पास कितनी है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि क्या सर, तो इसके लिए हमारे पास एक ये है, वीडियो है। तो इस Hi, have you always wanted to learn to code but don't know where to start? Would you like to make amazing websites and apps and bring your ideas to life? Then this is your course on web development from ठीक है, एक को आपको मैं अभी WhatsApp कर देता हूँ। ठीक, तो इसको आप देख लीजिए, ये आपका प्रिपरेशन का लर्निंग कहलाता है। इसमें मतलब कि इसमें एक्सेल की जो भी फीचर्स है वो सारे आएंगे। मैं आपको मेल भी कर देता हूँ। और आपकी ईमेल आईडी क्या है सर? harish.dhami@gmail.com। आ गया सर, सब ठीक है, मैंने मेल कर दिया। इसको आप देख लीजिएगा, ये लंबा वीडियो 5 घंटे का है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको डाउनलोड करके देखिए, आप ओपन करके देखिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा दो चीजों को। तीसरा, अगर टाइम मिलता है तो एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा सर, क्योंकि मैंने जब सीखना शुरू किया था तो एक आर्टिकल मैं पढ़ा था। अब मेरा आर्टिकल ऐसा नहीं कि मेरा आर्टिकल है, ये मेरा आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, excel-vba.com। ठीक है, ये भी आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, शेयर कर दो उसको। इसको पढ़ लीजिएगा, दो चीज कीजिए, फिर कल आपके साथ 8 बजे